स्वागत है आपका दस्तक मीडिया पर। अगर आप बाबा नीम करोली के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। हम आपको बाबा नीम करोली से संबंधित जानकारी वीडियो, ऑडियो, वेबसाइट और पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं, अद्भुत गाथा की श्रृंखला में आज आपको लिए चलते हैं सिपाही धारा, नैनीताल। धाराएं हैं, झीलें हैं, है ना। तो सिपाही धारा एक जगह है, वहां महाराज जी के अनन्य भक्त मिस्टर पांडे जी रहते हैं और पांडे जी की बेटी है एक शांता पांडे। शांता पांडे महाराज जी के दर्शन करने आई है और दर्शन करते हुए महाराज जी से निवेदन करती है, महाराज जी कभी हमारे यहां भी भोजन प्रसाद ग्रहण कर लीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल आता हूं। महाराज जी ऐसे ही कह देते थे, कल आता हूं और हां 8-10 लोग और आएंगे। शांता ने ये जब सुना तो गदगद हो गई। उसने दूसरे दिन घर में इंतजाम किया 8-10 लोगों के लिए, भोजन पानी सब व्यवस्था, पूरी सब्जी कचौड़ी सब बना के रखा। महाराज जी का इंतजार हो रहा है, भोजन प्रसाद बना हुआ है, लेकिन आ गया ना बीच में, लेकिन लग गया यानी महाराज जी नहीं आए। महाराज जी जब नहीं आए तो शांता को लगा कि अरे, शांता के पिताजी ने कहा ऐसे ही हाँ महाराज जी आएंगे, कल आएंगे, इतना सब इंतजाम किया नहीं आए महाराज जी। थोड़ी डांट भी पड़ी। अब शांता को गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है और जो भोजन प्रसाद जो तैयारी की है उसे देख देख के और ज्यादा उसने कहा ठीक है, महाराज जी नहीं आए ना, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी, बस आज से खाना बंद, या तो महाराज जी यहां आएंगे या महाराज जी ये भोजन ग्रहण करेंगे और वरना मैं भी नहीं करूंगा। अनशन हो गया साहब भक्त का, और भक्त का जब अनशन हो जाता है तो परमात्मा का सिंहासन डोल जाता है। मैं आपको सही बात बता रहा हूं, ये जीवन का एक अनुभव मैंने कथा नंबर 101 में सुनाया है, जहां हम यानी पागल, हम और मेरी धर्म पत्नी पागल दोनों इस मामले में है। पागलपन किया हमने और भंडारे में जो ये था ना कि मैं भंडारे में अगर कोई भूखा लौट गया तो हम दोनों अन्न नहीं ग्रहण करेंगे, और सुबह से शाम तक अन्न नहीं खाया था जब तक भंडारा संपूर्ण नहीं हुआ, तो महाराज जी ने वहां पूर्ण किया उसको। ये व्यक्तिगत जीवन का है अनुभव। ऐसे ही शांता ने कहा कि मैं नहीं भोजन करूंगी। एक दिन हो गया, दो दिन हो गए, अब मम्मी पापा उनके दोनों लोग परेशान कि बेटी भोजन नहीं कर रही। महाराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज जी आए, और महाराज जी की भी लीलाएं अपनी अलग होती हैं। खैर शांता की मां कहती हैं महाराज जी नहीं आए कोई बात नहीं, तुमने भोजन प्रसाद बनाया ना, ये महाराज जी को समर्पित कर दो जाके कैंची। शांता की ये बात समझ में आ जाती है और वो टोकरे में पूरी कचौड़ी जो कुछ रखा था सब भरा, दो दिन पहले का बनाया हुआ सब बासा है मामला, लेके और पहुंच गई और रख दी टोकरी, प्रणाम किया, क्या लाई है बताने की बजाय शांता देवी मतलब जो है फूट फूट के रोने लगी और ओढ़ाना भी देने लगी। आपने कहा था हम आएंगे, आप नहीं आए, भोजन बनाया, घर में कितनी बेइज्जती हुई, सब लोग कह रहे हैं महाराज जी आप जो है नॉन स्टॉपेज महाराज जी बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। फिर महाराज जी कहते हैं मैं तो आया था नहीं। तो शांता कहती हैं कि आप आए कहाँ, आए आप आते तो मैं क्यों भूखी रहती। अरे मैं आया था ना, अरे शांता को याद आता है कि सपने में आए थे आप,
अब तो सपने में तुमने भोजन प्रसाद खिलाया था, मेरे साथ 8-10 लोग थे। बोले हाँ 8-10 लोग थे, सपने में थे, सपने में हमने खिलाया था, लेकिन ये तो भोजन रखा रहा ना, ये प्रसाद रखा रहा, वो तो सपने की बात थी। महाराज जी कहते, और अब ये क्या है, ये भी तो सपने ही है, अभी मैं इसको खा लूंगा, रख तू, अभी स्नान कर लू, इसके बाद भोजन प्रसाद खाऊंगा। और महाराज जी ने स्नान ध्यान के बाद वो बासी पूड़ियां प्रेम से खाई। ऐसा नहीं था कि 2 दिन पहले की बनी हुई नहीं खाते, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन है, लेकिन भक्त की जो श्रद्धा विश्वास और जो अपनापन है ना, उन्होंने कहा हम तो सपने में खाए तो हमारा हो गया काम, वो कहते ये रखा हुआ है। और जब महाराज जी ने ये वो भोजन प्रसाद ग्रहण कर लिया, तभी सांता ने अन्न ग्रहण किया, वही प्रसाद फिर महाराज जी ने हाथ दिया और उसने भी ग्रहण किया। मित्रों ये अपनापन होता है ना, तो अपनापन से लड़ा भी जा सकता है, पूजा करने की शक्ति देखिए। सांता ने जो लड़ाई लड़ी महाराज जी से, काहे से लड़ी, वो अपनापन में है। अपनापन की बहुत कथाएं सुनाई हैं, मैं चलते चलते मैं बता दूं आपको, कानपुर में गया था ना, तो जिन्होंने पांडे साहब ने जिनके यहाँ भोजन प्रसाद मैंने भी वहां किया, तो उन्होंने बताया था कि जब हम सुंदरकांड करते हैं, कोई विनय चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं सब लोग मिलके, तो महाराज जी बुढ़ऊ आते हैं, महाराज जी नहीं बुढ़ऊ आते हैं। तो मैंने पूछा बुढ़ऊ कौन, ये अपने ही बुढ़ऊ, कानपुर की भाषा में बड़े प्यार से आदर से क्या कहा जाता है, तो जितने आदर से उन्होंने कहा, तो ऐसे जब मन में भावना होती है तो महाराज जी को आना ही पड़ता है, चल पड़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो